वो गया तो लौट कर आना भूल गया, शायद वो परिंदा अपना आशियाना भूल गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ताजे और फ्रेश वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही जानदार और बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ से ट्रेनें, तो फिलहाल अभी हमें गोरखपुर जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 9 पर, और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो है कि यात्रियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आज होने वाली है, क्योंकि मात्र 299 रुपये में आप लोगों को मैं होटल की सुविधा दिखाने वाला हूँ। यात्रियों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट होने वाली है, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहिए। और हाँ, आप लोगों को स्पेशल ऑफर भी मिलने वाला है, और वो स्पेशल ऑफर आप लोगों को कैसे मिलेगा ये जानने के लिए आप लोगों को वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। वो ऑफर में आप लोगों को कितना डिस्काउंट मिलेगा, किस प्रकार से करेंगे तो आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा, ए टू जेड पूरी जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम ले चलते हैं स्लीपिंग पोर्ट्स होटल के पास, और आप लोगों को पूरी जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। याद रखिए, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, प्लेटफार्म नंबर 9 पर जो है कि यहाँ से आप देख पा रहे हो स्लीपिंग पोर्ट्स का बोर्ड कुछ इस प्रकार से लगा हुआ है। मात्र 299 रुपये में यहाँ पर आप लोगों को रेट लिखा मिल जाएगा, और यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस प्रकार की समस्याओं से आप लोगों को छुटकारा मिलेगा यहाँ से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो फिलहाल में हम ऊपर चल रहे हैं, और ऊपर चलने के बाद आप लोगों को पूरी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे, डिटेल जानकारी प्रोवाइड कराएंगे कि किस प्रकार से जो है कि आप सबसे सस्ता होटल रेलवे स्टेशन पर। यात्रियों के लिए बहुत ही विशेष सूचना है कि सबसे सस्ता होटल आप लोगों को गोरखपुर में देखने को मिलेगा। हम आ चुके हैं रिसेप्शन पॉइंट पर, और यहाँ से आप देख पा रहे हैं कितना बेहतरीन तरीके से इसका लुक दिख रहा है। और यहाँ पर यहाँ से आप देख लीजिए, गोरखपुर से रिलेटेड बहुत सारे जो है कि स्थल आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, और कुछ इस प्रकार से जैसे ही आप थोड़ा सा आगे आएंगे यहाँ से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा प्लेटफार्म नंबर 9। और यहाँ से देखिए लिफ्ट भी लगा हुआ है और सीढ़ी भी लगा हुआ है, तो इस रास्ते आप आसानी से स्लीपिंग पोर्ट्स होटल पर। और यहाँ के अधिक जानकारी के लिए हम मिलते हैं यहाँ के एक भैया के साथ, और आप लोग को प्रोवाइड कराते हैं पूरी जानकारी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं हमारे साथ नीतीश सर। नमस्कार नीतीश जी। नमस्कार, और क्या हाल है? ठीक है। तो चलिए अंदर दिखाइए हम लोगों के लिए रूम, कि आपके वहाँ कौन कौन सा रूम प्रेजेंट टाइम में उपलब्ध है। मेरे पास डबल रूम है, डबल बेड का। हाँ, 6 घंटे का 600 रुपया चार्ज है। अच्छा जी, ये डबल बेड रहा, 6 घंटे के लिए 600 रुपया चार्ज है। 6 घंटे का 600 रुपया चार्ज जी। दोस्तों यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं कि कितना बेहतरीन तरीके से रूम का लुकिंग है, और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सफाई कितना नीट एंड क्लीन। और यहाँ पर देख लीजिए, आप लोगों को दो पिलो भी देखने को मिल जाएगा, ये डबल बेड है, और यहाँ पर आप लोगों को इस प्रकार से विंडो भी देखने, एसी टाइप का विंडो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और सबसे बड़ी चीज देखिए, इंटरटेनमेंट के लिए वहाँ पर LED TV आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, और साथ में आप लोगों को मिरर भी देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल कुछ इस प्रकार से जो है कि फैसिलिटी आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। और इसके साथ भैया और कौन सा रूम प्रेजेंट टाइम में उपलब्ध है? ये आपका सिंगल बेड है। हाँ, 299 का है। अच्छा अच्छा, 6 घंटे के लिए सिंगल बेड 399 रुपये में। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ से देख पा रहे हैं ये सिंगल बेड जो मैंने अभी आपको दिखाया, डबल बेड भैया उसका रेट क्या था? 599। उसका रेट 599 रुपये में था, और इसका रेट 399 रुपये में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सारी सुविधाएं सेम टू सेम वैसे ही, बस डिफरेंट केवल इतना है कि वहाँ पर डबल बेड था और यहाँ पर सिंगल बेड है। और यहाँ पर आप लोगों को ये कंबल देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आप लोगों को LED नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन मिरर आप लोगों को वैसे देखने को मिलेगा। और नीट एंड क्लीन के बारे में हम बात करें तो सफाई वैसे ही जबरदस्त है। और यहाँ से आप लोग देखने को मिल जाएगा सॉकेट, यानी अगर आप लोगों का मोबाइल डिस्चार्ज है तो उसके लिए भी यहाँ पर बेहतरीन तरीके से व्यवस्था किया गया है। यानी कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से, हमें नहीं लगता है कि वैसे बाहर में अगर आप कहीं पर रहते हैं तो इतने सस्ते में कहीं पर मिलने वाला है, और इतने नीट एंड क्लीन के साथ, यानी कि इतने सफाई के साथ कहीं पर मिलना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन यात्रियों के लिए सबसे बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अगर यात्री लेट हो गए हैं, या किसी कारण सवेर आ गए, या उनका कोई ट्रेन छूट गया है, इस किसी भी परिस्थिति में वो यहाँ पर आ सकते हैं और अपना आसानी से विश्राम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कम से कम पैसों में विश्राम कर सकते हैं, और बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी के साथ। तो भैया और कौन सा रूम प्रेजेंट टाइम में आप दिखाएंगे? हमारे पास पोर्ट है एक, 299 का है। चलिए चलिए हम देख लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल अभी हम आप लोगों को पोर्ट्स देखने के लिए लेकर चल रहे हैं आगे, और हम देख लेते हैं कि पोर्ट्स कैसा है, और आप लोगों को भी साथ साथ में दिखाते हैं पोर्ट्स की, फिलहाल में पोर्ट्स कैसा है ये यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं पोर्ट्स। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं पोर्ट्स। फिलहाल यहाँ से देखिए कुछ इस प्रकार से पोर्ट्स की लाइनें लगी हुई हैं, इस प्रकार से देख लीजिए इतने सारे पोर्ट्स लगे हुए हैं। लेकिन हम अधिक जानकारी के लिए केवल पहले एक पोर्ट्स के बारे में हम बात करते हैं। एक पोर्ट्स के बारे में यहाँ पर देख लीजिए, सारी चीज़ें वही हैं,
सारी चीज़ें वही हैं। सफाई के बारे में हम दोबारा बात कर लेते हैं कि सफाई के बारे में हम दोबारा क्यों बात कर रहे हैं। सफाई के बारे में दोबारा इसलिए हम बात कर रहे हैं कि सफाई इतना ज़बरदस्त है ना कि हम बिना कहे रुक नहीं पा रहे, और इसमें भी आप लोगों को मिरर देखने को मिल जाएगा, और मिरर के साथ यहाँ पर भी सॉकेट देखने को मिल जाएगा और पिलो वगैरह देखने को मिल जाएगा, और एयर कंडीशनर के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर भी व्यवस्था किया गया है। तो भैया इसका रेट आपने क्या बताया? 299। जी हाँ दोस्तों, मात्र 299 रुपए में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। 299 रुपए में कहीं पर ठहरने की व्यवस्था हो सकती है? बहुत ही सोचने वाली बात है, लेकिन हाँ ये चीज़ पॉसिबल है। और ये चीज़ पॉसिबल है गोरखपुर के जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर स्लीपिंग पोर्ट्स होटल के नाम से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। नंबर भी आप लोग यहाँ पर आप लोगों को नीचे दिख रहा होगा। अधिक जानकारी के लिए नंबर पर कॉल करके अपना जो है कि कोई भी डाउट होता है तो इसको क्लियर कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं यहाँ पर भैया कोई और रूम उपलब्ध है कि यही सर? नहीं सर, यही 3 रूम उपलब्ध है यहाँ पे। तो दोस्तों फिलहाल मैं सारी रूम में मैंने आप लोगों को दिखा दिया, लेकिन ये चीज़ तो मैंने दिखाया, रूम तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, लेकिन अब मैं बात कर लेता हूँ जो है कि शौचालय के बारे में, यानी कि बाथरूम के बारे में। क्या वो भी नीट एंड क्लीन है? बस बाकी और जगह तो नीट एंड क्लीन चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं, लेकिन इसके बारे में भी हम थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों को ले लेते हैं और यहाँ से आप लोग देख। फिलहाल हम अंदर चलते हैं, फिलहाल अभी हम महिला शौचालय में एंट्री कर रहे हैं आप लोगों को सही सही चीज़ें दिखाने के लिए। तो जैसे हम यहाँ पर एंट्री करते हैं, यहाँ से आप लोग कुछ देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से। पहले आप दिखा दीजिए कि सफाई के बारे में कहीं से भी कोई समझौता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सफाई के बारे में समझौता तो नहीं देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ ऊपर देखिए, ऊपर क्या लगा हुआ है? गीजर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को गीजर देखने को मिल जाएगा। हालांकि इतना बेहतरीन सुविधा इतने सस्ते रेट में कहीं जल्दी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आप लोगों को मात्र इतने सस्ते रेट में आप लोगों को गीजर देखने को मिल जाएगा। और अभी हम एंट्री करते हैं मेल में, यानी कि पुरुष शौचालय में, और यहाँ से भी हम एंट्री करते हैं और अंदर देख लेते हैं क्या यहाँ पर कोई है कि नहीं। तो फिलहाल में कोई नहीं है। और सफाई के बारे में यहाँ पर भी हम बात कर लेते हैं, और यहाँ पर देख लीजिए बेसिन टाइप के कुछ इस प्रकार से जो है कि हाथ धोने के लिए इस प्रकार से व्यवस्था किया गया है। यहाँ पर आप लोगों को 3 बेसिन देखने को मिल जाएगा, और साथ में यहाँ पर जो है कि हाथ धोने में इस्तेमाल होने वाला जो है कि प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। और यहाँ से आप लोग देख पाइए मेल में भी आप लोगों को गीजर देखने को मिल जाएगा, और नहाने के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से उत्तम व्यवस्था किया गया है, यानी कि नहाने में भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और गीजर आप लोगों को देखने को मिला, यानी कि ठंडी में भी आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन सुविधा मिलने वाली है। तो अब तो लगभग मैंने आप लोगों को सारी जानकारी प्रोवाइड कर दिया, लेकिन मैं आप लोगों को रेट लिस्ट भी अलग से प्रोवाइड करा रहा हूँ कि रेट लिस्ट अलग से हम देख लेंगे कि कौन कौन सी जो है कि रूम आप लोगों को मैं एक बार दोबारा रिवाइज करा दूंगा रेट लिस्ट। तो कि फिलहाल मैं अधिक जानकारी के लिए ले चल रहे हैं आप लोगों को काउंटर के पास, और काउंटर पर चलते हैं यानी कि रिसेप्शन काउंटर पर चलते हैं, और वहाँ पर जा करके आप लोगों को और सारी जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन इसके साथ मैं दोबारा बता देना चाहता हूँ, ये तो सारा मैंने आप लोगों को रेट बता दिया, लेकिन आप लोगों को कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी होने वाला है। वो स्पेशल डिस्काउंट कैसे मिलेगा? स्पेशल डिस्काउंट के लिए आप लोगों को वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के मैम को दिखाएंगे तो आप लोगों को कुछ ना कुछ स्पेशल डिस्काउंट जरूर मिल जाएगा। तो फिलहाल हमने चलते हैं आप लोगों को रिसेप्शन काउंटर पर, और वहाँ पर जा करके आप लोगों को रेट लिस्ट प्रदान करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फाइनली हम आ चुके हैं रिसेप्शन काउंटर पर दोबारा आप लोगों के लिए। लेकिन और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप लोगों को मैगी भी खाने के लिए बेहतरीन तरीके से उपलब्ध मिल जाएगा, और यहाँ पर टी और काफ़ी का भी व्यवस्था आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से किया गया है। जी हाँ दोस्तों, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रहने के साथ साथ आप लोगों को खाने का भी व्यवस्था, खाने पीने का भी व्यवस्था किया गया है। आप लोगों को रेट लिस्ट प्रोवाइड करा देते हैं कि आप लोगों को एक बार दोबारा क्लियर हो जाए। यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं कि डबल बेड के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। तो 6 घंटे के लिए डबल बेड मात्र 599 रुपये में आप लोगों को अलाट हो जाएगा, और वही चीज़ 12 घंटे के लिए 899 रुपये में, और वही चीज़ 24 घंटे के लिए जो है कि 1699 रुपये में अलाट हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं सिंगल बेड के बारे में। तो सिंगल बेड जो है कि 6 घंटे के लिए 399 रुपये में, और 12 घंटे के लिए 599 रुपये में, तथा 24 घंटे के लिए 1199 रुपये में आप लोगों को मिल जाएगा। और हम बात कर लेते हैं पोर्ट्स के बारे में, जो कि सबसे सस्ता है, मात्र 6 घंटे के लिए जो है कि मात्र 299 रुपये में आप लोगों को मिल जाएगा। 12 घंटे के लिए यही चीज़ आप लोगों को 499 रुपये में, और 24 घंटे के लिए यही चीज़ 799 रुपये में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मैंने रेट लिस्ट भी प्रोवाइड करा दिया, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि जब आप यहाँ पर आते हैं तो आप लोगों को किस प्रोसेस के तहत, यानी कि डॉक्यूमेंट में हम बात कर लेते हैं कि तो आधार कार्ड मस्ट, बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, और साथ में आप लोगों के पास PNR नंबर होना चाहिए। ये दोनों डॉक्यूमेंट है, तो आप लोग आ करके यहाँ पर आसानी से आप लोग ठहर पाएंगे। तो फिलहाल डिस्काउंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। डिस्काउंट, जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को डिस्काउंट चाहिए तो डिस्काउंट के लिए आप लोगों को क्या करना है? इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, उसका स्क्रीनशॉट ले जाकर करके मैम को दिखा देना है। आप लोगों को जो भी डिस्काउंट पॉसिबल हो पाएगा वो डिस्काउंट आप लोगों को प्रदान कर दिया जाएगा। तो फिलहाल वीडियो के यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं एक और नए धमाकेदार वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।